आज वैसे साधक बनाने वाले बताने वाले कहाँ हैं? आज हमारे में द्वेष, हमारे एक के ऊपर एक चढ़ियाँ करना, एक के ऊपर एक कुछ भी गलतफहमी के बातें बोलना। मैं चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें आज तुम कितना भी करते रहो, अगर योग्य हूँ, कार्य कर रहा हूँ, तो आज 25 साल हो गए गुरु से दीक्षा लेकर, आज 32 साल 30 साल हो गए आज मैं खड़ा हूँ। अगर मैं गलत होता तो गुरु जी लात मार कर कभी भी कहा पाल देते। आज मेरा चिंतन एक ही है कि गुरु जी का नाम सारे संसार में हो, गुरु जी की साधना बताए हो। एक तो साधक ऐसा निकले कि आपने मंच पर खड़े रहकर कहे कि मैंने साधना सिद्ध की है और मैं महान बन गया हूँ, मैं गुरु जी का शिष्य हूँ, ऐसा कहने की ताकत रखने वाला साधक चाहिए। आप अपना जीवन ही नहीं, क्योंकि गुरु जी ने बहुत बार भी ये कहा है कि गुरु जी हम ये साधना करें, देवता प्रत्यक्ष अप्सरा नहीं आई, अप्सरा प्रत्यक्ष होने की बात गुरु जी ने कहा है, देवता प्रत्यक्ष नहीं हुई, तारा प्रत्यक्ष होने की बात गुरु जी ने कहा है, बगलाओं से प्रत्यक्ष होने की बात कही है, माँ प्रत्यक्ष नहीं, प्रत्यक्ष का अर्थ होता है प्रति अक्ष, अक्ष में आपकी आंखें, प्रति का अर्थ होता है तुम्हारे, तुम आंखों से उसको देखो और वो तुम्हारी आंखों से देखे, उसे प्रत्यक्षीकरण कहा गया, प्रत्यक्ष कहा गया है। और वो प्रत्यक्षीकरण अपने से होता है? नहीं होता है। और तो उसी गुरु जी हंसकर कभी कभी कहा करते थे, अरे बाबा बुलाए तो तेरी बीवी नहीं आती, देवता क्या आएंगे? क्यों? कि तुम्हें सिद्धि चाहिए, तेरे घर के लोग तेरी बात नहीं मानते, तेरे माता पिता तेरे पित्र तुझे द्वेष करते हैं। ये तो जीवन में मेरे भी हुआ, लेकिन बाद में वही माता पिता वही सब लोग मुझे कहने लगे तुम देवता हो। साधना में मैंने नहीं छोड़ी ना गुरु को छोड़ा, एक बार गुरु को पकड़ा हूँ तो गुरु को यही बात एक करके कह दी कि गुरु जी यह जीवन तो तुम्हारे आपके चरणों में समर्पित कर दिया है, और कितने भी जन्म जन्म जीवन आपके चरणों में समर्पित करूंगा, केवल एक ही उद्देश्य है, सिद्ध हुआ तो आपका, सिद्ध नहीं हुआ तो मेरी मजबूरियां हैं या मेरी गलती है, मेरी गलती हो सकती है, लेकिन ये जीवन आपके चरणों में समर्पित है, मारो या तारो आपके चरणों में है, आपका आपको मैंने मेरा जीवन मैंने सौंप दिया है। और जिस दिन मुझे आज भी वो दिन याद है, मैं दिल्ली में 3 जून 1993 को बहुत हताश होकर गया था, इतना हताश कि मेरे कुछ भी काम नहीं हो रहे थे, मैं 8-9 साल से जूझ रहा था, मेरी सरकारी नौकरी थी, वैसे अगर हो जाए तो मैं डिप्टी कलेक्टर कलेक्टर भी हो सकता था, लेकिन मैंने वो नौकरी साधनाओं के बल पर छोड़ दी थी, माता पिता भी गालियां दे रहे थे कि तूने गवर्नमेंट नौकरी छोड़ दी, और मैं साधनाओं के बल पर ये रहा था, और आखिर मैं हताश हो गया और गुरु जी के पास गया और गुरु जी को सिर्फ इतना ही कहा, गुरु जी मुझे या तो आपका सामर्थ्यवान शिष्य बनाकर जिंदा रखो या फिर मेरे को मृत्यु दे दो, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। और गुरु जी ने उस दिन मुझे जो कहा कि जोशी तू मेरी परीक्षा में पास हो गया, निखिल शाह जी की परीक्षा में बहुत कम लोग पास होते हैं और तूने पास हुआ, और जिस दिन गुरु जी ने वो बात कही आज भी तारीख मेरे जीवन में है वो 3 जून 1993 थी। और उसके बाद हैदराबाद में 5-6-7 शिविर हुए और आज आपके सामने मैं यहाँ मंच पर बैठा हुआ हूँ। आज मैं कोई असमर्थ नहीं हूँ, मेरे साथ हजारों लोग हैं और आश्रम में भी हजारों लोग आते हैं जाते हैं, और उस क्षमता के साथ जीता हूँ जो गुरु जी ने कहा। गुरु जी ने गुरु पूर्णिमा के शिविर में कहा था कि अगर जोशी मेरे आंगन में लक्ष्मी नाचती है तो तेरे आंगन में भी नाचेगी, और मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि गुरु जी के वचन सिद्ध है। मैं आप सभी को भी यही चाहता हूँ कि कभी असमर्थ अपने आप को मत समझो और असमर्थ जीवन मत जियो, जियो तो सामर्थ्यवान जियो, ऐसा जीवन कि हमारे हर एक के जीवन में कष्ट तो आते ही, ऐसा जीवन किसी का नहीं है जिसके जीवन में कष्ट नहीं आए हो और समस्याएं नहीं हो, चाहे गुरु कितने भी महान हो। कृष्ण के साथ रहने पर भी पांडवों को वनवास नहीं चुका या द्रौपदी का चीरहरण नहीं होते हुए रहा, वशिष्ठ के होते हुए रामचंद्र जी को वनवास नहीं चुका, चाहे वो कुछ भी हो, वनवास तो हुआ लेकिन वनवास में भी वो आनंद के साथ जिए। हम जबकि दुर्योधन राज्य में रहता था, सोने की सिंहासन पर बैठता था, लेकिन वो बेचैन था, जबकि वनवास में घूमते हुए आनंदित थे, वो गुरु के रहने के कारण होता है। समस्याएं भी आए लेकिन अगर गुरु हो तो आनंद के साथ जीता है, वो आनंद हमारे में आए। हम होली की रात्रि की इस विशेष पर्व पर इस राजीव लोचन के मंदिर के परिसर में हम आए हैं और यहाँ की महत्ता जानते हुए मैं आपको एक बात बतलाना चाहता हूँ। चाहे इस पौराणिक कथा में सत्यता कहाँ तक है ये यहाँ के वास्तविक रहने वाले लोग जाने, लेकिन सत्यता यह है कि प्रभु रामचंद्र जी जब रावण से युद्ध करने की बात हुई तो उन्होंने कहा कि ऐसे संगम स्थल पर मेरी साधना संपन्न हो और मैं दुर्गा की साधना करूं, नवरात्र की साधना करूं। अगस्त्य महर्षि ने कहा कि तू दुर्गा की साधना कर, शिवजी को प्रत्यक्ष कर ले और तू रावण के साथ, क्योंकि रावण शिव भक्त है, जब तक तुझे शिव प्रत्यक्ष नहीं होंगे तब तक तुझे ये कार्य तेरे से नहीं होने वाला है। कहते हैं कि इस नदी संगम पर रामचंद्र जी नवरात्र में तपस्या करने के लिए आए और कहा गया कि माता दुर्गा के चरणों में तुम्हें
रोज 1000 फूल चढ़ाने हैं विशेष मंत्र बोलते हुए। रामचंद्र जी भी साधना में बैठ गए, पर हर रोज हनुमान जी उनको फूल ला के दिया करते थे, 1008 फूल ला के दिया करते थे। रामचंद्र जी विशेष मंत्र से दुर्गा की अर्चना किया करते थे सुबह शाम उपवास के साथ, उन्होंने साधना संपन्न की थी। जब यह बात शिवभक्त रावण को पता चला कि राम एक दुर्गा साधना संपन्न कर रहे हैं, अगर वो साधना संपन्न हुई तो उन्हें विशेष अधिकार माता दुर्गा कोई ना कोई ऐसा अस्त्र देगी जिस अस्त्र के साथ वे मुझ पर प्रहार करेंगे। अब उस उनकी साधना को तोड़ दी, उस साधना को पूर्ण होने नहीं देना चाहिए। तो आखिर क्योंकि हनुमान जी रहने के कारण उस साधना को वो तोड़ नहीं सके, क्योंकि हनुमान जी रक्षक थे, हनुमान जी को फूल ला के दे रहे थे। तो कहाँ आखिरी दिन क्या हुआ, हनुमान जी जब साधना 1000 फूल ला लिए, रामचंद्र जी आँख पहुँच के देखते थे, एक एक नाम बोलते हुए माता दुर्गा को चढ़ाते थे पूरे भक्तिभाव के साथ, और आखिरी दिन जब चढ़ा रहे थे तो 1007 फूल चढ़ा दिया और देख रहे हैं कि 8वां फूल नहीं है। कि उस समय भौरे के रूप में, चूहे के रूप में आकर रावण ने एक मरीच नाम के आदमी राक्षस को भेज दिया और उनका फूल चुरा लिया। 1007 चढ़ गए, 8वां फूल नहीं चढ़ते हुए रुक गया। रामचंद्र जी कितना देखे, देखे उधर उधर हनुमान जी को, हनुमान जी बाहर खड़े हैं कि रोज पूजा हो रही है, गुरु अपने प्रभु आज पूजा कर रहे हैं, वो तो बाहर खड़े हैं। रामचंद्र जी को चिल्लाना नहीं है और वहाँ फूल हो गया, उनकी आंखों में आंसू आ गए। आज अगर 1008वां फूल चढ़ता तो माता दुर्गा प्रसन्न होती और मुझे शस्त्र प्रदान करती है। हे माँ, अब मैं क्या करूँ, किस तरह करूँ? तो उनको एकदम अपनी माँ कहते ही उनको उनकी माँ का, माँ की याद आई। माँ कभी भी कहा करती थी कि हे राम, तेरे लोचन कमल लोचन है, राजीव लोचन है, राजीव लोचन है, तेरी आंखें कमल के पत्ते के समान लोचन है, तेरी आंखें हैं। उनको याद आया कि मेरी माँ कहा करती थी, आज एक फूल नहीं हुआ तो क्या हुआ, मैं मेरे आँख को ही माता दुर्गा को चढ़ाता हूँ। और उन्होंने बाण उठाया और अपना आँख निकाल कर राजीव लोचन, राजीव का मतलब होता है कमल, कमल का लोचन, कमल के प्रतीक समान लोचन आँख वाले, और उन्होंने वो आँख चढ़ाने दुर्गा माता पर गए तो दुर्गा माता प्रत्यक्ष हो गई और उनको पता चला कि रावण ने वो फूल चुराया है। और प्रत्यक्ष होने के बाद शिवजी प्रत्यक्ष हुए और शिवजी ने यहाँ रुद्र के रूप में उन्हें पाशुपतास्त्र दिया, और तो माता दुर्गा ने उन्हें उस दिन जो त्रिशूल का एक विशेष मंत्र बोला, जो संजीवनी नाम का मंत्र था, वो मंत्र दिया, वो यही संगम है और वो यही राजीव लोचन है, ऐसा मैं शास्त्र के साथ कहता हूँ। यहाँ के इतिहासकार क्या कहते हैं, वो यहाँ के दो अच्छी तरह जाने, इसे राजीव लोचन कहा गया है। कमल, रामचंद्र जी ने उस कमल लोचन नाम के उस अपने लोचन को माता दुर्गा को अर्पण करने के बाद जो साधना संपन्न की थी वो यही नदी संगम था और इसका नाम राजीव लोचन पड़ा, ऐसा मैं शास्त्र, क्योंकि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी एक बिहार के एक बहुत बड़े कवि हुए, उन्होंने इसके ऊपर बहुत बड़ी सुंदर कविता ली है और उन्हीं राजीव लोचन के बारे में भी इसी तरह लिखा है। अब आप इसकी सत्यता कहाँ तक मानते हैं नहीं मानते ये बात अलग है। यहाँ रुद्र, विष्णु और दुर्गा, ये तीनों माता, तीनों के मंदिर भी विशेष रूप से विराजमान है और इस संगम पर यह कार्य प्रभु रामचंद्र जी ने और हनुमान जी ने संपन्न किया था, इसलिए इसका नाम राजीव लोचन कहा गया है, ऐसा कहा जाता है। ऐसे एक पुण्य क्षेत्र में, ऐसे तीर्थ क्षेत्र में हम अगर इस होली के रथ में बैठकर साधना संपन्न करें और हम भी अगर सिद्ध नहीं हुए तो फिर हमारा यहाँ आना या है साधना संपन्न करना इस तांत्रिक रात्र में कोई श्रेष्ठता नहीं कहलाता। मैं इसलिए कहता हूँ कि यहाँ हम साधना करने से पहले हम हमारी असमर्थता छोड़ दें, हम असमर्थ जीवन को ना जिए, हम गुरु जी की कृपा के साथ जिए। एक बार की बात है कि इसी तरह असमर्थ जीवन के बारे में माता देवी भगवती या महर्षि व्यास एक कहानी बताते हैं, एक कहानी कहते हैं